गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, पिछले वीडियो में असीं अपना 6वें मॉड्यूल 6th चैप्टर संपूर्ण संख्यावां दी 6.2 एक्सरसाइज कीती सी, जिस विच असीं संपूर्ण संख्यावां नूं संख्या रेखा उत्ते दर्शाउणा, संख्या रेखा ते जोड़ करना अते संख्या रेखा दी वरतों कीते बिना जोड़फल पता करना सिख्या सी। अज असीं संपूर्ण संख्यावां दी कटाओ करना, उन्हां विच तुलना करना सिखांगे। चलो शुरू करदे हां अपनी एक्सरसाइज 6.3 दा पहला सवाल, कटाओ। मेरा स्टेटमेंट है अपने कोले 35 - 20, 35 कटाओ दी। मेरा हुण आपां देखिया कि ब्रैकेट के अंदर इतने कोई भी निशान नहीं है, दैट मीनस पहली संख्या सेम, क्योंकि इतने इको ही साइन है, तो साइन है माइनस का, माइनस ब्रैकेट हटा के 20 है। एक संख्या जिसके कोई निशान इतने सब इस चीज़ की होती है प्लस दी, प्लस माइनस, माइनस पकल विवेच किया सी बेटा कि प्लस माइनस की होंगे है माइनस, तो 35 जो भी कटाए 15, मेरा आंसर इज 50। क्लियर? नाउ इसे भी सेम एग्जांपल आप करते दूजी, माइनस 15 माइनस ब्रैकेट माइनस 18 माइनस 15 माइनस ब्रैकेट विच अगेन माइनस 18। बेटा हुण आपां देखिया कि सेंटर विच भी माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। आपने हमेशा पहली संख्या नूं ही देखना, आप मेन सैकेंड संख्या में देख रहे हैं क्योंकि इतने दो साइन इकट्ठे हैं, तो पहली संख्या पहला सेम माइनस करके ब्रैकेट विच, दैन माइनस माइनस की होंगे है प्लस, इतना आया अपना 18। हम अगेन बिल्कुल पहला वांग सवाल बन गया, देखो बेटा एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, इतने भी की है एक संख्या माइनस दी एक संख्या प्लस दी, दैन प्लस माइनस माइनस, तो 18 जो 15 माइनस कितने की आया 3। अपने इन्होंने दोनों सवालों में ही प्लस वाली संख्या वड्डी सी, तो इसलिए आंसर भी प्लस विच ही आया, आंसर आया अपना 3। नाउ नेक्स्ट पार्ट 23 माइनस इन अ ब्रैकेट माइनस 12, अगेन इतने बेटा दो साइन हैं माइनस माइनस, पहली संख्या सेम 23 माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट हट जाएगी, दोनों ही संख्यावां प्लस दी हैं, तो सिंपल सवाल है दोनों की करांगे आपां प्लस, तो साइन भी रहेगा सिंपल प्लस का, देन आंसर इज 35। तुसीं देख रहे हो बेटा किसी भी संख्या लगे आपां प्लस का साइन शो करने की लोड़ नहीं पैंदी, सिर्फ सेंटर विच आपां साइन शो कर रहे हैं ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਮਾਈਨਸ 20 ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 30, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਘਟਾ ਦਾਂਗੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 20 ਮਾਈਨਸ 30। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ 33, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 33। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। -21 माइनस इन अ ब्रैकेट -10 स्पेस इतने बड़ा आप खाली था फिल करनी है इन अ ब्रैकेट -31 प्लस इन अ ब्रैकेट -11 फिर हम सीधा देख के अपने नहीं पता लग गया कि केड़ी साइड बड़ी है इसलिए आप पहले दोनों साइड्स में सॉल्व करांगे जिमें आप उपला सम किया सी इस तरफ है अपने को -21 ब्रैकेट के अंदर भी साइन है बाहर भी साइन तो माइनस माइनस की हुई प्लस एक रकम माइनस दी एक रकम माइनस दी एक रकम प्लस दी तो की होएगी माइनस प्लस माइनस 11 पर दोहां विचों केड़ी संख्या वड्डी है एक ही ते इत्थे आ गया माइनस दे 11 नाउ सेकंड साइड -31 प्लस इन अ ब्रैकेट -11 अगेन सेंटर च की है बेटा प्लस ते ब्रैकेट अंदर की है माइनस प्लस माइनस माइनस देन माइनस माइनस बेटा की होती है प्लस ते बन गया 42 ते दोनों ही नंबर्स माइनस हैं तो साइन भी किस चीज आएगा माइनस का तो अपन दोनों साइड सॉल्व कर लिया लेफ्ट साइड इट मीन्स खब्बे पासे अपने को आया -11 राइट साइड अपने को आया -42 हूँ आप देखना है इस विचों केड़ा साइन सही है हूँ देखो बेटा दोनों संख्यावां बिल्कुल अलग अलग हैं इट मीन्स ये साइन नहीं आएगा हूँ देखना है इस विच केड़ी संख्या वड्डी है आप संख्या रेखा रेखा से बेटा आपको सबनों पता है कि 42-11 तो वैसे बड़े होंगे पर साइन किस चीज़ आ गया माइनस का तो आप कितना से संख्या रेखा उत्ते कि जो साइन माइनस का लग जाता है संख्यावां विचला संबंध भी उल्टा हो जाता है जो संख्या पहले वड्डी सी हुण छोटी होएगी इट मीन्स माइनस ते 42 छोटे हैं -11 अगर ये संख्या बड़ी है तो इसे अपना बड़े का साइन जो संख्या बड़ी है अपना उसका नीचे मुंह खोल देता तो इसे असं बाकी सवाल हल करने हैं बिल्कुल पहला वांग ही है बस लास्ट स्टेप ही ऐड करना है कि केड़ी संख्या वड्डी छोटी या फिर बराबर है नेक्स्ट खाली था -8 प्लस डैश इक्वल टू 0 बेटा फिलअप्स है थोड़ा अपनी ब्रेन तो कम लेना आप कहते हल करने की लोड़ नहीं है आप इतने देखिया कि -8 विच की लिखिए की जोड़िए कि आंसर की आ जाए 0 आपको पता है कि दो संख्यावां दा जोड़ जा माइनस 0 करने लिए की होना चाहिए है अपना सेम संख्या पर साइन चेंज करके लिख दिया अगर इतने -8 है और प्लस नाल की लग जाएगा कल्ला 8 क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 8 विच 8 माइनस कितने आंसर के आ गया 0 एंड नाउ नेक्स्ट इज 13 प्लस डैश इज इक्वल टू 0 13 विच आप की ऐड करिए कि आंसर की आ जाए 0 है तो बिल्कुल सेम सा सवाल तो अपने बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी होंगी है कि प्रॉपर्टी बच्चे एडिटिव प्रॉपर्टी होंगी है कि जेकर दो संख्यावां का जोड़ आप 0 करना होंगे है तो उस दे विच आप साइन चेंज करके सेम संख्या जोड़नी है जिम उरे की है 13 तो उरे की लिखांगे आप -13 इन अ ब्रैकेट क्योंकि बाहर की है प्लस प्लस माइनस माइनस 13 -13 इज इक्वल टू 0 तेनू कहंदे ने एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स भाव उस संख्या का आपां साइन चेंज किया है बेटा 12 प्लस ब्रैकेट -12 इज इक्वल टू डैश बेटा देखो बिल्कुल पहला रसवाल बन गया इस दे नाल की ऐड किया गया इसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया गया है तो की बन गया था आंसर 0 क्योंकि एक सेम संख्या का एडिटिव इनवर्स अगर कर दें आप तो की बनता है 0 जिसका देखो प्लस माइनस माइनस 12 च 12 माइनस कितने आंसर की आया 0
अगला बेटा माइनस चार प्लस डैश इज इक्वल टू माइनस दे ट्वेल्व। माइनस चार विच की जोड़िए आंसर की आ जाए माइनस दे ट्वेल्व। अगर संख्या माइनस दी है इट मीन्स इतने भी अपन रकम किस चाहिए है माइनस दी तो चार विच की जोड़ा गया आप अगर आप लिख रहे हैं एट तो अगर प्लस दे एट लिखेंगे तो की होएगा प्लस माइनस माइनस तो आंसर क्या आएगा चार। तो गलत हो जाएगा ना बेटा पूरे की लगा लेंगे आप माइनस किमें पता लगे देखो प्लस माइनस 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 से फोर माइनस से एट तो की बनेगा बेटा है माइनस से ट्वेल्व। इस तरह माइनस एट ही अपना सही आंसर। नाउ 6.3 का लास्ट सवाल मूल पता करो। माइनस सेवन माइनस एट माइनस इन अ ब्रैकेट माइनस 25 जिस तरह अपन जोड़पल वाले सम किए सी बिल्कुल उसी तरह ही हम पहली रकम आप सेम लिख रहे हैं बेटा माइनस सेवन इन अ ब्रैकेट ये तो कोई साइन नहीं है पर हम इतने देखो माइनस एट दैन ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस तो आ गया प्लस के 25। पहली स्टेट में मैं सेम लिखती हूँ बेटा संख्या प्लस माइनस माइनस 25 जो 8 घटाए बेटा की आएगा 17 क्योंकि 25 बड़े हैं तो साइन किस चीज़ का प्लस था तो इतने भी की आएगा प्लस। सेम पहला वांग बने दो संख्याओं वाला सम प्लस माइनस माइनस तो 17 सत्तर माइनस कितने 10 क्योंकि 17 बड़े हैं तो ये प्लस नहीं रहेंगे तो अपना आंसर है 10। इसी तरह ही एक और पार्ट कर लिया बाकी सारे पार्ट से बेटा आप हल करने हैं। 50 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 40 माइनस अगेन इन ब्रैकेट माइनस 2। हम बेटा पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहली संख्या सेम माइनस माइनस प्लस 40 माइनस माइनस प्लस 2 सारिया ही संख्यावान सेम साइन आप प्लस लिया है तो सबका करेंगे जो तैयार आ गया अपना आंसर 92। इस तरह बच्चे तुसी बाकी सारे सवाल ट्राई करने हैं बेटा। जेकर तुम्हें तो साइंस का आपस में रिलेशन याद रखना औखा हो रहा है कि प्लस 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 होएगा प्लस माइनस माइनस होएगा तो इसका एक होर सौखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है ध्यान ना देखो आप प्लस में मन लें दोस्त क्योंकि दोस्त जिंदगी ऐड होंगे ने होर दोस्त बनाने हैं तो माइनस मतलब दुश्मन क्योंकि दुश्मन आप कोई पसंद नहीं करते आप दुश्मन को कट देने जिंदगी चो तो इसलिए प्लस की अपना दोस्त माइनस की अपना दुश्मन। चलो हम देखते हैं चलो देखो जी प्लस की अपना दोस्त 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 का दोस्त बेटा अपना की होएगा दोस्त ही होएगा टेक्निक्स प्लस प्लस की है प्लस तक उसी से इस तैयार रखना है तो दोस्त का दोस्त इज इक्वल टू दोस्त आप दोनों की करनी है प्लस करनी है अगर इतने के प्लस एक की है माइनस तो की बनाए दोस्त का दुश्मन। हम सोच के देखो अगर थोड़ा तो भी फ्रेंड है उसी किसी ने नहीं बनती वो होया दुश्मन थोड़ा तो भी की होएगा वो दुश्मन क्योंकि अगर आप फ्रेंडशिप निभानी है तो आप उसमें की मनोंगे दुश्मन तो की बन गया अपना माइनस तो प्लस माइनस की होंगी है माइनस हूँ अगे अगर अगे साइन है माइनस का पीछे है प्लस का तो की बनिया दुश्मन का दोस्त सेम ही हो गया बेटा। अगर अपना कोई दुश्मन है ओदा कोई दोस्त है तो ओदी ही निभाएगा अपनी थोड़ी करेगा आप कहेंगे दुश्मन का दोस्त ही होगा साढ़ा दुश्मन तो माइनस प्लस की होएगी माइनस पर अगर दोनों जगह ही माइनस है तो की बनिया दुश्मन का दुश्मन तो की होएगा वो अपना दोस्त तो की आया प्लस। इस तरह तुम सवाल हल करने समय प्लस माइनस का ध्यान रख सकते हो तो हमें चंगी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक यू।